हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में ब्रदर सिस्टर की दुनिया डेली ब्लॉग। मैं नहा के पूजा वूजा करके आ गई, अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। लक्ष्मी आंटी काम उम करके चली गई, बचा मेरा काम, तो अभी वो मैं करूँगी, खाना बनाऊँगी। मशीन लगा दिया खाना बना, दोनों बच्चे बीमार हैं, मंकू और निश्चा रात भर सोए नहीं, आज लेट तक सोए थे, 10 बजे सो के उठे। ये तो जल्दी जग जाते, 6-7 बजे जग जाते। मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं लगूंगी घर के कामों में। अब बेड सीट गंदी हो गई थी तो मैंने बोला चेंज कर दो, मम्मी कह रही है रहने दे गंदी नहीं है, मैं बोली नहीं मम्मी बच्चे गंदा कर देते, कर देती हूँ। तो मैं बेड सीट चेंज कर दिया, अब जाऊंगी किचन में घिया बनाऊंगी। आगे मैं किचन में पहले तो किचन का सामान सेट करूँगी, थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी बर्तन वर्तन सेट उठ करके, डब्बे सारे चिकने हो गए थे उसकी क्लीनिंग कर दूँगी। बच्चों का सूजी भी बना दिया था मैंने, सूजी दे दिया, अन्नी खिला रही थी। सुबह बहुत सारे काम भी हो जाते हैं घर में, अब बच्चों का घर होता है तो और भी काम हो जाते हैं। अब दोनों बच्चे बीमार हैं, कल तो रात को मैंग के तीत में दर्द हो रहा था, वो सोया ही नहीं सारी रात। और निष्ठा को तो बुखार नहीं थे लेकिन उसको खेलने के लिए चाहिए, 2-2.5 बजे निष्ठा सोई, उसके बाद मैंग जग गया, फिर सुबह सोया, उसके दांत में दर्द था, कह रहा था अम्मा दर्द आ करके दिखा रहा था, दोनों के टीथ खा रहे हैं। घिया बनाऊंगी मैं, घिया के लिए कुकर रख दिया गैस पे, ऑयल भी डाल दिए, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, सूखा धनिया, देगी मिर्च, नमक, हल्दी, एक तरफ बच्चों का बोतल भी उबाल दिया था, और एक गिलास पानी, घिया डाल के सीटी लगा देंगे। घिया गलने में टाइम लगता है तो 7-8 सीटी लगाएंगे, तब तक घिया गल जाएगा। 7-8 सीटी में घिया गल जाता है। मेरा किचन का काम हो गया, खाना वाना बना दिया, बच्चों को खिला दिया, उनको नहला दिया, सारे काम कर दिए मैंने। वॉशिंग मशीन लगाया था मैंने, कपड़े भी मेरे धुल के तो फैला रही हूँ बालकनी में, पहले ठंड में तो छत पे लेके जाते, अब तो बालकनी में डाल दो तो सूख जाते हैं। मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ, मम्मी मैंग के बगल में लेटी, उसको बुखार थे बहुत ज़्यादा, तो मैं आई तो देखा 103 बुखार है, फिर पट्टी उट्टी किया, उसको दवाई दिया तो आराम था, मतलब आधे घंटे में आराम हो गया उसको, तो फिर खेल में लग गया वो, मैं तो डर गई। तो मम्मी पट्टी की, उसकी दवाई ववाई दिया, दवाई तो खुद लेके पी भी लेता है वो,
दवाई का बहुत शौक है उसको। मम्मी को देखता है खाते हुए ना दवाई, तो कहेगा अम्मा अम्मा आ अम्मा अम्मा आ मेरे को दे दो, मेरे को खिला दो। अनिश्चय दवाई तो बिल्कुल नहीं खाती, उसको तो बुखार देता है कुछ भी, उसको दो दवाई खाती है। सवा चार हो गए, चाय बना के लाई मैं, मम्मी चाय पियेंगे। कुछ देर पहले मंकू को बुखार हो गया था 103, सोया था एक बैग बुखार हो गया, इतना डर गई मैं। तो फिर थर्मामीटर से नापा तो 103 था, दवाई दिया तो अभी ठीक है। पट्टी भी किया हमने, मम्मी मतलब मम्मी ने किया, मैं बैठी थी पास में, मेरे से पट्टी नहीं करा रहा था, कर रहा था अम्मा। ठीक हो आप, बुखार सही है आपका? नहीं नहीं सही है। बुखार कैसे आ गया? चाय पीने के बाद घर की सफाई की मैंने, बच्चे दूसरे वाले कमरे में जाके खेल रहे थे, अन्नी ले गई उसे, निष्ठा को मैं कुछ देर खेले, वो मैं मम्मी के हैंड मसाज कर दी थी, सर में दर्द था तो कह रही है तेल लगा दो, तो मैंने लगा दिया। दोनों बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को कुछ हो जाता तो ऐसा मन डर सा हो जाता, मम्मी के रहने रहती है तो वो देख लेती है दोनों को, बुखार होगा चाहे मैम को चाहे निश्चा को, तो मम्मी ही ले रहती है उन दोनों को। अन्नी खेल में लगी है, मंकू दो रहा था तो कह रही आ चल छत पे लेके गए हम इसे, पार्क जाने वाले थे फिर गए नहीं क्योंकि 6 बजे तक धूप रहती है, तो हम गए नहीं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा प्यार दें। अब मिलेंगे हम अगली ब्लॉग में, बाय बाय।